हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। कल जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आई थिंक स्पीड, स्पीड के पार्ट्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड करके, ठीक है। आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे और उस टर्म के बारे में देखेंगे कि क्या बनेगी वो टर्म। देखो, डिस्टेंस के साथ हमने डायरेक्शन को ऐड किया था, किया था डिस्टेंस के साथ। जब हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड किया था तो एक नई टर्म बन गई थी। अब अगर स्पीड के साथ नहीं करेंगे तो स्पीड नाराज हो जाएगी, है ना। तो स्पीड के साथ भी डायरेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। अब स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास एक नई टर्म बनती है। जब हम स्पीड की ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर स्लो चल रहा है ये देखने के साथ साथ हम ये भी देखें कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में फास्ट या स्लो चल रहा है, तो जो हमारा नई जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। मींस अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में बी डिफाइंड एज हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन या फिर इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वेलोसिटी हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी। और जब एक वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बता रही है, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी हो गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यूनिट्स की हम बात कर लें तो क्या हो जाएंगी, यूनिट्स देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमने स्पीड में क्या किया, डायरेक्शन को ऐड कर दिया प्लस डायरेक्शन। स्पीड में किसको ऐड किया, डायरेक्शन को। डिस्टेंस में भी किसको ऐड कर देंगे, डायरेक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, ठीक है। तो यहां पर भी डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन को ऐड किया तो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, एंड व्हाट इज दैट, दैट वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस हो गई हमारे पास। एक तो पहला, तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब वेलोसिटी हमें किसके बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। और होता किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब अगर हमने उस ऑब्जेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर हम उसको किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। अब हम बात कर रहे थे इसकी यूनिट्स की, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएंगी यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड, तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड, वहां पर क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स क्या है, यूनिट्स बिल्कुल ही सेम है एज दैट ऑफ स्पीड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, लेंथ है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज दैट ऑफ स्पीड, बिकॉज ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, एम जीरो एल वन टी जीरो, ओके। और टाइम के लिए हम लिखेंगे टी, तो ये क्या आ जाएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है
और उसमें किसका यूज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इसीलिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां तक आई थिंक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी तरह, अगर हम इसमें बात करें कि जैसे हमने स्पीड के पार्ट्स पढ़े थे, अगर वेलोसिटी के पार्ट्स देखें तो वेलोसिटी का अगर हम देखना चाहें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम एज दैट ऑफ स्पीड। वहां पर स्पीड थी, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पर क्या है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट अगर एवरेज वेलोसिटी देखना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इट में भी जीरो ऑल्सो, बिकॉज हो सकता है कि हाफ जो हमारा इंटरवल था, हाफ टाइम इंटरवल था, उसमें तो ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हो, बाकी का जो हाफ था उसमें ऑब्जेक्ट ने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल एक बार के लिए फॉर्मूला लिखी लो, वी एवरेज क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस, तो मैं इसको लिख दूं वी एट एनी इंस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, जहां पर मैंने एक्स को डिस्प्लेसमेंट माना है। बेसिक से आप ये लिख सकते हो, दैट मीन्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहो भाई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब यहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन दैट वेलोसिटी विल बी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो ये हो गए हैं हमारे पास सारे पार्ट्स ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या क्या पार्ट्स थे, क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ये कह सकते हो कि मैम वो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है आइदर बाय डायरेक्शन और बाय मैग्नीट्यूड। तो बेटा देखो, जब भी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक चीज और ऐड कर लेना, हाउ सो एवर स्मॉल इंटरवल्स, स्मॉल टाइम इंटरवल मे बी, हाउ सो एवर स्मॉल टाइम इंटरवल्स मे बी, मतलब चाहे कितने भी छोटे टाइम इंटरवल्स हो, टाइम इंटरवल्स मे बी, अगर किसी मान लो 2 सेकंड के लिए भी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम उन 2 सेकंड के लिए तो बोल सकते हैं ना कि वो 2 सेकंड के लिए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चला था, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म बनाना है,
वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो? वेलोसिटी में बी चेंज्ड, वेलोसिटी में बी चेंज्ड। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज बाय, फर्स्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है आप उसको चेंज करके भी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। सेकंड बाय चेंजिंग डायरेक्शन, ओके, और थर्ड बाय चेंजिंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इनमें से अगर दोनों ही सेम रहेंगे तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, और अगर एक भी चेंज हो गया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। उस टाइम पे हम क्या कह देंगे कि अब हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई है, हमारा ऑब्जेक्ट अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा? मान लो हमारे पास ये, मैंने मान लिया O, ये ओरिजिन है। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया A पर, और कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया B पर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन की स्पेशलिटी होती है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म रहती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, लिख लेना ये, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने मान ली यहां से यहां तक की x1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली x2, ये टाइम इंटरवल t1 था, और यहां पर टाइम कितना हो चुका था? t2 हो चुका था जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तब। ओके, आप देखो भाई, पूरे ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज इन, अवर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है, और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है सो वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। तो यहां पर हम मान ले कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की? v वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कंडीशन है ही है भाई कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ही ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अदरवाइज आप कर्व ले लो। ठीक है, कर्व के हर पॉइंट पर वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं बताना? नहीं बता, थप्पड़ लगाओ अपने। एक कर्व के हर पॉइंट पर वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करके हम क्या करेंगे? कर्व के हर पॉइंट पर डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अपवर्ड इधर चेंज, हर पॉइंट पर कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग होगा, टेंजेंट अलग होगा, दैट मींस जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो भी क्या होगी? बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है, तो यहां पर कर्व पार्ट में भी क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट मींस डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन सेम रहे उसके लिए ऑब्जेक्ट को क्या रहना चाहिए? ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। लेट अस कंसिडर दैट अवर ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट x1 इन टाइम t1 एंड डिस्प्लेसमेंट x2 इन टाइम t2। ठीक है,
अब हमें अगर निकालना है कि हमारे ऑब्जेक्ट ने इस टाइम इंटरवल में t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर हम निकालना चाहें कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इस टाइम इंटरवल में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमें निकालनी है वेलोसिटी, यहां से v की वैल्यू हमें निकालनी है, और v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहां पर देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ऑब्जेक्ट का, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ बी को हमने क्या माना, एक्स टू, ठीक है, ओ ए को एक्स वन, ओ बी के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो कितनी बनेगी, पहले तो हम नॉर्मल फॉर्मूले से देख लेते हैं, ओ बी के लिए अगर निकालना चाहें तो कितनी बनेगी, एक्स टू टी, ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। और अगर हम ओ ए के लिए वेलोसिटी निकालना चाहें, ठीक है, वी टू दे दूं मैं इसको नाम, और अगर ओ ए के लिए निकालना चाहें तो वी वन, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स वन टी, और ये कहां से आया, सॉरी एक्स टू अपॉन में टी टू और एक्स वन अपॉन में टी वन, ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमें निकालनी है कि इस टाइम इंटरवल में टी टू माइनस टी वन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, तो टी टू माइनस टी वन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी थी वो हमें निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, वी t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो निकाल ले। आप देखो पूरे t2 में तो इतना किया है और t1 में सिर्फ इतना, तो t2 माइनस t1 में कितना किया, पूरे में से ये वाला माइनस कर दे, ये माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ठीक है, ए बी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी कितना है हमारे पास, एक्स टू, ओ ए कितना है, एक्स वन, टाइम इंटरवल क्या हो गया, टी टू माइनस टी वन, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में वी टू माइनस सॉरी टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इस टाइम इंटरवल के लिए। और हमारे पास जब यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी क्या थी, सेम। अगर हमें एक एक अलग अलग पॉइंट्स के लिए निकालनी होती तो हम कैसे चेक करते, v2 को x2 ओवर t2, v1 को x1 ओवर t1, इस तरह से निकालते। और यहां से ये निकालने के बाद अगर हमें और कुछ ना दे रखा होता तो ये निकालने के बाद हम ये क्लैरिफाई कर सकते थे कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नहीं। अगर ये सेम आती है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर सेम नहीं आती है तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जब चेक करने के लिए दिया जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप लोगों को बताए कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, सिर्फ आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, फिर आपको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर इससे रिलेटेड हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहें तो लिख लो फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स लिखो भाई यूनिफॉर्म मोशन के, ये क्या क्या फीचर्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के, वो क्या होते हैं कि मैं लिख दूं वैसे ही, चलो मैं अभी लिख ही देती हूँ, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे पास। पहला क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर, बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट विल बी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और जब स्ट्रेट लाइन होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है,
कि जो हमारी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल। ये कैसे होगा भाई, यहां से चाहे आप ये वाला टाइम इंटरवल ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मोशन के हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स आप कोई भी टाइम इंटरवल लो, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही आनी है। तो इसीलिए क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिपेंड करेगी कि आप कौन सा टाइम इंटरवल ले रहे हो, कौन सा नहीं ले रहे हो, करेगी? यस और नो, आंसर दिया करो। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तुम आंसर दिया करो अपनी तरफ से। अगर आपका आंसर यस आ रहा है तो क्वेश्चन करो कि ऐसा कैसे, मैडम नो बता रही है। और अगर आपका आंसर नो आ रहा है देन दैट्स वेरी फाइन, मतलब आपको समझ आ रहा है। जब तक क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जैसे क्लास में करते हैं ना, उसी तरह किया करो, ठीक है? इंटरेक्टिव वे में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी टाइम इंटरवल के ऊपर, ओके? थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगी? बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बराबर होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर आप कोई भी इंस्टेंट ले रहे हैं, मतलब अगर आप कोई भी इंस्टेंट ले रहे हैं, मान लो आपने यहां पर ले लिया, ठीक है, इस इंस्टेंट पर भी वेलोसिटी वही रहेगी और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो भी वही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरी ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर ही होगी, ठीक है? अब मान लो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यहां पर आपने ओरिजन को कंसिडर कर रखा है, ओरिजन से इधर के साइड जाओगे लेफ्ट साइड में तो क्या आएगी, वेलोसिटी नेगेटिव, और अगर आप राइट साइड में जाओगे तो क्या लेनी पड़ेगी आपको, वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है? वैसे ही इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द चॉइस ऑफ ओरिजन, ठीक है? वेलोसिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी चॉइस ऑफ ओरिजन से, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजन। वेलोसिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है चॉइस ऑफ ओरिजन से, ठीक है? मतलब आप ओरिजन कहीं पर भी कंसिडर कर लो यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी तो वही रहेगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर आपने ओरिजन चूज करने के बाद अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव, और राइट में जा रहे हो तो पॉजिटिव, वेलोसिटी विल बी टेकन नेगेटिव टू द राइट, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजन एंड पॉजिटिव टू द राइट ऑफ ओरिजन। और पॉजिटिव होगी जब आप ओरिजन से राइट साइड में जाएंगे तब, ठीक है? इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का केस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो दोनों बराबर होंगे, और इसी तरह क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का केस रहेगा, ठीक है? अब देखो फॉर्मूला, अगर हमें ये लिख लिया होगा भाई, आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा, अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अभी हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है? बट ऐसा हो सकता है कि जहां पर हमारा ओरिजन था, हम घर से चले बट उस टाइम पे हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने मोशन को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है? कुछ देर के बाद हमें ध्यान आया कि अरे हमें तो हमारा मोशन कंसिडर करना था, हम देखना चाहते हैं कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो
ये देखो उस टाइम पे आप कहां पर पहुंच गए थे, मान लो ए पर पहुंच गए थे, ये आपका ओरिजन है और आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई थी एक्स नोट, ठीक है। सेकंड, अगर आप यहां से अपना क्या करना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कि यहां से मोशन को कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी एक्स वन, यहां से यहां तक की दूरी एक्स टू, ठीक है। ये हमने कंसिडर कर लिया है एक्स नोट, एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है। तो अब अगर आप एक्स वन को निकालना चाहें, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्स वन को निकालना यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमने वेलोसिटी क्या मान ली, वी मान ली, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम हमने मान लिया, कितना टाइम लिया, टी वन, और पॉइंट सी तक का जो टाइम लिया वो कितना लिया, टी टू, ठीक है। अगर हमें ओरिजन से निकालनी है दूरी तो हम क्या करेंगे, तो देखो ओ बी निकालो, ओ बी अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, ओ ए प्लस ए बी आ जाएगा, ओ बी, ओ ए प्लस ए बी, दोनों की दूरी को ऐड कर देंगे। ओ ए की वैल्यू तो आपको पता है एक्स नॉट, और ओ ए बी क्या है, एक्स वन, एक्स वन है, तो एक्स वन है तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स वन क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, और जब एक्स वन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, एक्स वन हम निकाल रहे हैं भाई, और टाइम कितना लिया है, टी वन, ठीक है। यहां पर टाइम कितना था, इस पॉइंट पर हमने जब कंसिडर करना स्टार्ट किया तो टी इक्वल्स टू जीरो, यहां पर इस वाले पॉइंट को नीचे लिख लो बी, यहां पर क्या हो गया, टी इक्वल्स टू टी वन, और सी पर क्या हो गया, टी इक्वल्स टू टी टू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इतना टाइम है उसमें वेलोसिटी कितनी है, v, टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने, टी वन, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें ए बी को तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, कैसे होगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और कितना टाइम लिया है, टी वन, तो ए बी की वैल्यू मैं पुट कर दूं क्या आ जाएगी, वी टी वन। इसी तरह अगर मैं ओ सी निकालना चाहूं, ओ सी, ठीक है, और ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स वन है, ठीक है, एक्स वन, ये वेक्टर लगाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओ सी, अगर मैं निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स नोट ओ ए प्लस ए सी, ठीक है, ए सी, यहां तक की तो दूरी आपको पता है, और यहां तक का आपने क्या लिया है, यूनिफॉर्म मोशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए सी, और ए सी वही बात है, ए सी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेना अगर किसी को ध्यान ना रहे तो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v इंटू टी टू, यहां तक कितना टाइम ले लिया था उसने, टी टू टाइम, ओ ए की वैल्यू वही है एक्स नोट, ओ सी की एक्स टू, और ये क्या हो जाएगा, v टी टू, ठीक है, v टी टू। आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में से माइनस कर दो, टाइम इंटरवल में से देखना है ना, टू टू को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, हमें तो टाइम इंटरवल में देखना है कि टी टू माइनस टी वन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस टाइम इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करो, पहली इक्वेशन क्या है, एक्स नोट प्लस वी टी टू माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स नोट प्लस वी टी वन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, यहां से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा माइनस का, वी टी टू माइनस वी टी वन, ठीक है, वी कॉमन बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आ गया किसी भी एक टाइम इंटरवल में वो किसके बराबर आएगा, उस टाइम इंटरवल को हम वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा साफ फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई तूने इतने टाइम में, आपको पता है कि आप यूनिफॉर्म मोशन में गए हो, ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो आप सीधा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। बट
कंडीशन इज दैट यू मस्ट बी इन यूनिफॉर्म मोशन. आप किसमें होने चाहो? यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए आपको, अदरवाइज ये सब वैलिड नहीं होगा. ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक स्पेशल पॉइंट स्टार डाल के लिख लेना बेसिक से. यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के बराबर होती है. और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है. ठीक है, तो अगर यही पर मैं इसी इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर से वेक्टर हटा दूंगी और क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वी टी टू माइनस टी वन. ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस और स्पीड को भी निकाल सकते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वैसे भी हमें पता ही है कि दोनों चीजें सेम होती हैं और फॉर्मूले से भी यही चीजें आएंगी. ठीक है, यहां तक आई थिंक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा. अपने नोट्स बना लेना, बाकी का जो हम करेंगे वो करेंगे कल. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ्स करेंगे कल.